हेलो एंड वेलकम टू आइडियल क्लासेस बादरा। मैं हूं देव जांगिड़। दोस्तों, जनरल इंग्लिश या जनरल ग्रामर इंग्लिश की जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है, स्पेशली फॉर यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एफके, स्टेट पीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवेज, बैंक, एयरफोर्स, नेवी, पटवारी, कांस्टेबल एंड सो मेनी अदर एग्जाम्स, जिस किसी एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो इस वीडियो सीरीज़ है उसका ये वीडियो नंबर 5 है। उससे पहले हमने 4 वीडियोस प्लेस अपलोड कर दिए हैं। पहला और दूसरा जो वीडियो है वो टेंस से रिलेटेड है, तीसरा और चौथा है 3 और 4 वो वॉइसेस से रिलेटेड है, और ये 5th है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, बिफोर आई बिगिन, एक आपसे एक अपील करूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके पास में जो बेल आइकन आता है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, ताकि मेरा आने वाला जो भी वीडियो हो, क्योंकि आपको पता है मैं कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे भी वीडियो बनाता हूँ, तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए अच्छे हैं वो, तो उनके किसी के भी आपको नोटिफिकेशन मिस ना हो, इसलिए आप बेल आइकन ज़रूर दबा के रखें। इसके बाद में अगर आपको लगता है कि कुछ आपके सुझाव हैं या कुछ पर्टिकुलर टॉपिक भी आप चाहते हैं कि ये इशू आज के दिन करंट में चल रहा है, इस पर आप वीडियो बनाइए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। वीडियो कैसा लग रहा है वो कमेंट करके बताया करें। कोई सवाल या सुझाव कुछ भी हो कमेंट ज़रूर किया करें। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक दिल खोल के करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले 2 नंबर पे आपको पता है हमेशा यहाँ पे एक मोटिवेशनल कोट आता था, लेकिन आज वो है नहीं। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि सर इट टेक्स मोर टाइम, थोड़ा लंबा हो जाता है, बेटर है कि हम इसको स्किप कर दें, तो मैंने उसको निकाला है। व्हाट यू थिंक, आपको लगता है कि उसको रखना चाहिए? देन यू कैन कमेंट मी कि सर वी शुड कंटिन्यू विद दैट, तो हम उसको दोबारा इंक्लूड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। राइट, आज पढ़ेंगे नरेशंस। सबसे पहले नरेशंस होते क्या हैं? नरेशंस का मतलब होता है कोई कहानी सुनाना, टू डिस्क्राइब समथिंग, कोई घटना हुई उसका घटना का वर्णन करना ही नरेशंस है। इसको और अच्छे से समझे कि कहाँ यूज़ होते हैं नरेशंस, तो एक मैंने ग्राफिक्स बनाए आपके लिए। ये बेसिकली 3 दोस्तों की कहानी है। 3 दोस्त हैं, वंदना, एकता एंड प्रिया। ये शुरू में जो ये कोई पार्टी वार्टी करने के लिए दोनों जो हैं, ये वंदना और एकता, ये 1 नंबर पे वंदना है, ये दूसरी एकता है। यहाँ पे ये कोई पार्टी वार्टी करने कहीं बैठे हैं, लेकिन एक ये वंदना जो कह रही है, वंदना सेड टू मी, वंदना जो है उसने एकता से कहा, एकता आगे बताएगी उसको, वंदना सेड टू मी व्हाट आर यू वेयरिंग। वंदना को जो एकता की ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं है, उसने क्या पहन रखा है, ये कोई फैशन डिजाइनिंग करती होगी, उसको अच्छा नहीं लगा। तो वंदना ने इसे पूछा कि व्हाट आर यू वेयरिंग, तुम क्या पहन रखा है ये। तो उसको जब अच्छा नहीं लगा, वंदना ने इसे पूछा है। अब जब ये बेसिकली 3 फ्रेंड हैं इनकी, जो प्रिया है ये फ्रेंड यहाँ पे है, बाद में मिलेगी इसको, लेकिन ये बात तो यहाँ हो चुकी, तो अब ये इस पूरी की पूरी कहानी की यहाँ चुगली करेगी। चुगली, लिटरली चुगली इज नरेशन, नरेशन इज चुगली। आप मान के चलिए सिर्फ चुगली ही है नरेशन में और कुछ नहीं है। हम जितनी सुबह से शाम तक नरेशन ही करते रहते हैं। आपको जब ये देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि यस वी आर डूइंग दिस ओनली। अब जब एकता मिली प्रिया को, ये एकता है ये यहाँ पे प्रिया, कि प्रिया प्रिया पता है तुम्हें, वंदना क्या कह रही थी कि व्हाट आई वाज वेयरिंग, मैं क्या पहन रखा था उस दिन। आप यहाँ समझें कहानी, यहाँ जो बात हो रही है उसको ये पास्ट में बता रही है, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही थी आपस में एक दूसरे की, ये दोनों प्रेजेंट में बात कर रहे थे। लेकिन जब ये 3 दिन बाद 4 दिन बाद जब भी फ्यूचर में जाके प्रिया से ये एकता की मुलाकात होती है, तो ये इसको जब ये कहानी बताएगी कि यार उसने मेरे कपड़े पसंद नहीं आए, उसने मुझे ऐसे टॉन्ट मारा वगैरह वगैरह, बेसिकली चुगली करेगी जब आके वंदना की एकता, तो ये पास्ट की बात हो रही है। तो ये क्या कहेगी, वंदना टोल्ड मी दैट व्हाट शी वाज वेयरिंग, मैंने क्या पहन रखा था उस दिन। खुद के लिए कहेगी तो उसने क्या पहन रखा था, मुझे कहा तो यहाँ पे व्हाट शी वाज वेयरिंग, उसने क्या पहना था उस दिन, ऐसा कहा। तो जब इस तरह की बातें होती हैं, पहले की बात, पुरानी बात और किसी दूसरे के सामने, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के बीच में जो बातें हुई, ये बातें आपस में ये सेकंड पर्सन किसी तीसरे को जाके चुगली करता है, थर्ड पर्सन को जब बताता है, तो यहाँ पे क्योंकि ये बात घटना पहले घट चुकी है, तो ये जब इसको बताएगा 2 दिन 3 दिन बाद या जब भी कुछ मिनट के बाद भी करेगा, तो भी ये पास्ट हो चुका है। तो ये इसको जब बताएगा, चुगली करने आएगा, तो ये पास्ट में करेगा। तो ये आप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि नरेशन में जब हम जिसको चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट बताते हैं, तो हमेशा पास्ट में करते हैं। राइट, अब उससे आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 चीज़ें होती है, एक होता है रिपोर्टेड वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच।
स्पीच जैसे इन्वर्टेड कॉमा में आपको पता है हम उस चीज़ को रखते हैं जो एज इट इज़ कही गई हो, यूं कहीं यूँ किसी का कथन हो, किसी का कोई स्टेटमेंट होता है उसको हम एज इट इज़ रखने के लिए इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं। ये वाले, ये जो इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्पीच है जिसको रिपोर्ट किया जा रहा है, जब यहाँ पे मैं जैसे आपको बता रहा था कि ये जो वंदना की जो स्पीच थी, ये प्रिया के सामने जो रिपोर्ट करी गई, ये कौन सी जो स्पीच है वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। जिस स्पीच को रिपोर्ट किया गया वो रिपोर्टेड स्पीच है। इसको रिपोर्ट करने के लिए जो यहाँ पे ये वर्ब यूज़ करी गई, सेड, टोल्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर वगैरह, कमांडेड, सो मैनी, इस तरह के जो भी इस स्पीच को बोलने से पहले क्या किस तरह से बोला गया, लहजा क्या है, ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब होता है, राइट। इसके आगे बढ़े, एक छोटा सा नोट है कि नरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, खास करके जो छोटी क्लासेज होते हैं उनमें इनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके पढ़ते हैं हम लोग। तो ऐसा कोई छोटी क्लास का बच्चा कुछ सुन रहा हो उस वीडियो को, तो ये ना समझे कि सर आप नरेशन कह के इनडायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ा रहे हो, चीज़ बच्चे एक ही होती है, राइट। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हिमांशी सेड टू मी आई एम नॉट वेल। हिमांशी ने मुझे कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैं कौन? हिमांशी। हिमांशी ठीक नहीं है। तो जब मैं तीसरे बंदे को लाइक योगेश को मैं बता रहा हूँ कि हिमांशी ने मुझे बताया कि वो ठीक नहीं थी, क्योंकि पहले की बात है, योगेश तीन दिन बाद मिल रहा है, जब भी मिला, ये कहानी हमने जो बात करी हिमांशी और मैंने, ये पुरानी हो चुकी है। तो मैं योगेश को किसी को दूसरे को बता रहा हूँ, हिमांशी टोल्ड मी दैट शी वॉज नॉट वेल। सीधा सा है। एक तो आप ये याद रखें यहाँ पे कि जब भी इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के लिए हमें दैट यूज़ कर लिया। दूसरा, सेड को टोल्ड यूज़ किया, क्योंकि वहाँ तो कहा, जब मैं तीसरे को बताऊँगा तो उसको कहा नहीं, यहाँ पे क्या कहूँगा, उसने मुझे बताया, ये बता तो रही थी ऐसे कि मैं ठीक नहीं हूँ। उसके बाद आई एम, एम की जगह यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया मैंने, वॉज। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि पास्ट में उसको एज इट इज़, अगर प्रेजेंट इनडेफिनेट है तो उसको पास्ट इनडेफिनेट चेंज कर देते हैं, सेम टू सेम रहेगा, प्रेजेंट का पास्ट में हो जाएगा बस। कुछ उसके एक्सेप्शन आएंगे वो आगे हम बात करेंगे। और इसके देखते हैं एग्जांपल्स। देवेंद्र सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। देवेंद्र सेड टू मी, यहाँ पे सेड है लेकिन आप ये देखें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे सेड की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ टोल्ड नहीं हो सकता, बिकॉज ही इज आस्किंग, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कर क्या रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देवेंद्र आस्क मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग। आई क्यों यूज हुआ, कि बात मेरी हो रही है यहाँ पे, देवेंद्र ने मुझसे पूछा था, जब मैं यहाँ तीसरे को लाइक पुष्पेंद्र को बता रहा हूँ तो मैं अपने के लिए क्या यूज़ करूँगा, यू नहीं कर सकता ना, क्योंकि बात मेरी हो रही है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, व्हाट आई वाज डूइंग, राइट। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया हो आपको। बेसिकली जो कहानी पहले हुई है उसको हम बाद में बताएंगे, तो डेफिनेटली वो घटना पहले की हो चुकी है, पास्ट हो चुकी है, तो उसको हम यहाँ पास्ट में बताएंगे, राइट। ही सेड आई शैल ब्रिंग योर बुक टुमोरो। ही सेड आई शैल ब्रिंग योर बुक टुमोरो, उसने कहा कि तुम्हारी बुक, मैं कल तुम्हारी बुक लाऊंगा। अब यहाँ पे कल वाले में आप ध्यान दीजिए, ये दो दिन तीन दिन जब भी उसने कहा, तीन दिन पहले कहा तो मैं कल यूज़ करूँगा, तो आज बताऊँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, उस पर्टिकुलर डे के लिए मैं यूज़ करूँगा तो क्या लगेगा कि उस दिन के अगले दिन, वो जो दिन था उसके अगले दिन, तो दी नेक्स्ट डे, जो बात हो रही थी उसके दी नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे दी नेक्स्ट यूज होता है। बाकी एज इट इज मैंने पहले बता दिया, विल शैल का यहाँ वुड हो गया, प्रेजेंट बन पास्ट बना दिया हमने, सेड एज इट इज, और इसको इन्वर्टेड कोमा की जगह हमने दैट लगा दिया, कोई चेंज नहीं है, राइट। अब देखें आप, ये कुछ एक टेबल बनाई है मैंने, ये जो नेक्स्ट डे वाले में इस तरह हो सकता है, वैसे तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसमें कॉमन सेंस है ओनली, आप वैसे सोच के देखेंगे तो क्या बनेगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। दो दिन पहले हाँ, तो उसके दो एक दिन बाद है, तो दी नेक्स्ट डे बोल सकते हैं, अब नेक्स्ट डे बोलेंगे तो आज से आने वाले के नेक्स्ट डे की बात हो जाएगी, जिस दिन बात हो रही है उसके अगले दिन नेक्स्ट डे की बात नहीं है ना, वैसे ही। तो यहाँ पे एक टेबल बनाया मैंने, थोड़ा सा अगर आपको चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको क्लियर कर दूंगा सारा उसके बाद में, अदरवाइज ये समझ सकते हैं, समझने की चीज़ है, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ दिस है तो दैट हो जाएगा, दीज का दोज, क्योंकि दीज और दोज ये दूर की बात, मतलब जहाँ घटना हो रही है उससे, वो जो घटी थी जिसको मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ वो कहीं दूर घटी थी, तो यहाँ दोज लग जाएगा। हेयर तो देयर, क्योंकि जहाँ हुआ उससे कहीं दूर जाके, कहीं अलग जाके हमने तीसरे बंदे को रिपोर्ट करी। नाउ जस्ट, तो उसका देन,
अभी के अभी, तो वहाँ जाके बताएंगे तो तभी, तो देन, टुडे का दैट डे, उस दिन, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमोरो द नेक्स्ट डे, जैसे यहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद टू नाइट का दैट नाइट, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, हेंस का देंस। ये बहुत आसान सा है, आपको चाहिए तो आप इसको, ये मैं क्लियर कर दिया, आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, दो तीन बार देख लेंगे तो और इजीली क्लियर हो जाएगा, राइट। कुछ और एक्सेप्शंस है जहाँ पे टेंस है वो चेंज नहीं होता है रिपोर्टेड स्पीच का, कौन से हैं? सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, कुछ जनरल फैक्ट्स, सामान्य जो फैक्ट होते हैं, और कुछ हैबिचुअल एक्टिविटीज, जिसको आदतन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जो जैसे इनका एग्जांपल देखें। सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रूथ का, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि अध्यापक ने कहा कि सूर्य ईस्ट में उगता है। तो अध्यापक ने आज कहा, कल कहा, कब परसों कहा, कभी भी कहो बोले, ये घटना चेंज छोड़ना होगी। पास्ट प्रेजेंट कभी भी हो, जब 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद भी बताएंगे तो भी सन तो ईस्ट से ही राइज हो रहा है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ को हम चेंज नहीं कर सकते, ये लॉजिक है। इसमें रूल तो इसलिए लगा दिया कि किसी को याद रखना हो तो, अदरवाइज लॉजिक है, क्योंकि ये घटना पास्ट की हो ही नहीं रही है, ये चीज़ चेंज ही नहीं हो रही है, तो इसलिए एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द टीचर टोल्ड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पे सेट की जगह टोल्ड कर दिया, दैट जैसे मैंने पहले आपको बताया है, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे दैट लगा देंगे, बस और कुछ नहीं है, राइट। अगला देखें, ही सेड आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, यहाँ पे ये मॉर्निंग वॉक को डेली जाते हैं, अगर ये बात जब डेली जा रहे हैं, इनकी आदत ऐसी है, यहाँ पे हैबिचुअल वाला ये जनरल फैक्ट लेके चल रहे हैं हम, तो यहाँ पे जब ये डेली को मॉर्निंग वॉक को जाते हैं, 3 दिन बाद अगर बात करेंगे तो उस दिन भी गए होंगे, तो एज इट इज़ कह सकते हैं, कोई पास्ट की बात नहीं हो रही कि उस दिन भी गए हैं। 1 हफ्ते बाद कहेंगे तो उस दिन भी मॉर्निंग वॉक, जब डेली जाते हैं उस दिन भी गए होंगे, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ही टोल्ड दैट, आए का क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि ये जब इसको बता रहे थे तो ये सेकंड की बात हो रही है, तो यहाँ पे ही टोल्ड दैट ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। यहाँ पे एक छोटी चीज़ आपको समझनी है, आए के साथ हमने क्या यूज़ किया है, गो, क्योंकि प्लूरल के साथ में, आई प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में एस या ई एस वर्ब के साथ नहीं लगाते हैं, यहाँ पे आई की जगह ही लग गया, जब चेंज करेंगे तो ही के साथ में सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में एस या ई एस वर्ब के साथ लगता है, ये आपको याद रखना है, इनडेफिनेट में जब यूज़ करते हैं तो ये चेंजेस होते हैं, राइट। अगला देखें, हैज़ नॉट बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं, जब हम चुगली करने पहुँचे हैं, उस टाइम वो जिसकी जिस घटना की बात हो रही है वो अभी भी पास्ट नहीं हुई है, अभी भी एज इट इज़ है, घटना बदली नहीं है, उस केस में भी क्या करेंगे हम, इसको टेंस चेंज नहीं करते हैं। जैसे ही सेड माई वाइफ इज़ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, उसने कहा कि मेरी वाइफ है वो, दैट वाइफ, हिज वाइफ, उसकी वाइफ है वो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। अब जब किसी को बताएंगे तो क्या कहेंगे, उसने कहा कि उसकी वाइफ है वो मलेरिया से सफ़र करती है, कर रही है, तो वो तो अभी भी कर रही है, ठीक नहीं हुई होगी। जनरली ऐसा ही है कि भाई, क्योंकि मलेरिया जैसे बीमारी लंबी चलती है, अभी भी ठीक नहीं हुई होगी। यहाँ पे मैंने एक, आप समझें, जो ये फ्रॉम को कलर चेंज किया है, इसलिए किया है, RPSC फर्स्ट ग्रेड का 2018 जो स्कूल लेक्चर का एक एग्ज़ाम था इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसके अंदर ये एज इट इज़ पूछा गया था, ये कोई बीमारी का नाम दिया था और उसके आगे फ्रॉम लगाया था, ब्लैंक डाल रखा था, उसमें फ्रॉम आएगा, टू आएगा, विद आएगा, ऑफ आएगा, इस तरह से कई सारे लगा रखे थे, तो बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। आप याद रखिए, वैसे आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा सेंटेंस को देख के, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तो थोड़ा दिमाग घूम जाता है। तो इस तरह की बीमारियों से, डिजीज़ से पहले हम सफरिंग एंड डिजीज़ के बीच में सफरिंग फ्रॉम ही लगता है। ये फ्रेजल्स हैं, आगे चल के हम फ्रेजल्स के पूरा वीडियो लेके आएंगे। आगे देखें, एम्फसाइज इज दैट द सिचुएशन स्टिल एग्जिस्ट, कोई सिचुएशन ऐसी है जो अभी भी एग्जिस्ट करती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, लगभग बातें वही हैं, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो रही है। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, माई हाउस इज इन वैशाली नगर, उसने मुझे कहा कि मेरा घर वैशाली नगर में है। अभी जनाब का घर डेली तो बदलेगा नहीं, इट्स नॉट लाइक योर गर्लफ्रेंड की एवरीडे चेंज कर सकते हो आप, ये वैशाली नगर इनका घर है, चेंज नहीं हो रही है। तो ही सेड टू मी, तो यहाँ पे देखिए, ही सेड टू मी दैट हिज हाउस इज इन वैशाली नगर, उसने मुझे बताया कि उसका घर, माय का हिज कर देंगे क्योंकि तीसरे को बता रहे हैं, हिज हाउस इज नॉट इन वैशाली नगर, राइट।
अगला देखें, अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आते हैं, आपको पता है हिस्ट्री चेंज नहीं होती है, हिस्ट्री पास्ट की है, पास्ट है हिस्ट्री अपने आप में, लेकिन अब वो चेंज नहीं हो रही है, तो उसको भी क्या करेंगे जब कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो एज इट इज़ यूज़ करते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट को। देखें सब एक एग्जांपल, द टीचर सेड टू अस, गुरुजी ने हमें बताया, गुरुजी ने, पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ टेराइन इन 1191। गुरुजी ने हमें बताया कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तराइन के पहले युद्ध में 1191 में हराया था। ये अभी भी पता है, कितने दिनों बाद भी बात करेंगे तो भी ये डेट वही रहेगी, फर्स्ट बैटल भी रहेगा, पृथ्वीराज चौहान भी रहेंगे, मोहम्मद गौरी, क्योंकि हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री एज इट इज़ रहती है, हिस्टोरिकल फैक्ट में हम टेंस चेंज नहीं करते हैं। अब क्या कहेंगे, द टीचर टोल्ड अस, सेड तो बताया, कहा तो यहाँ बताया कर देंगे, गुरुजी बता रहे थे, टोल्ड अस दैट पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ टेराइन इन 1191। यहाँ पे अगेन आप कहेंगे कि इसका कलर चेंज कर दिया है आपने। तो दोस्तों यहाँ पे बात तो चल रही है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक छोटा सा मैंने डाल दिया है हिस्ट्री का, कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ टेराइन हुआ था, तराइन का पहला युद्ध, वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ये हमारे इतिहास का बहुत निर्णायक मोड़ था, ये आप याद रख लीजिएगा इसको, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पहला युद्ध था 1191 में हुआ था तराइन में, और ये मोहम्मद गौरी और इसके बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। आपसे एक सवाल यहाँ पूछता हूँ कि जो इसका दूसरा युद्ध, जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था और उसका रिजल्ट क्या हुआ था, ये आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने हालांकि क्लास आपके लिए इंग्लिश की, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हिस्ट्री का, बिकॉज हिस्ट्री इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट, राइट। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, इसके बाद में एक नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, इट विल बी कंटिन्यूड, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर लोगों को प्रॉब्लम आती है, लंबे वीडियोज देखना पसंद नहीं करते। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और अपना ख्याल रखें, मस्त रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।